मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के इंग्लिश का पोएट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यानी कि पर्वत और गिधारी, जिसको लिखे हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन। यह कविता पर्वत तथा गिलहरी के मध्य वार्तालाप के रूप में है। पर्वत को अपने बड़े आकार पर घमंड है, वह गिलहरी को तुच्छ या आत्मसंतुष्ट कहकर पुकारता है। गिलहरी आत्मसम्मान रखने वाली है, गिलहरी होना कोई अपमानजनक नहीं है, क्योंकि संसार में प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है। ईश्वर की सृष्टि में छोटे तथा बड़े, धनी तथा निर्धन, सबका निश्चित स्थान। यदि गिलहरी अपनी कमर पर जंगल नहीं उठा सकती तो पर्वत भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकता। गिलहरी ने बहुत ही बेहतर वे में पर्वत को यह समझाने की कोशिश की है। यह एक काल्पनिक कविता है। लिखा है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, यानी कि पर्वत और स्क्वायरल मतलब गिलहरी हैड अ क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ा, पर्वत तथा गिलहरी में झगड़ा हुआ। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, फार्मर मतलब हो जाएगा पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला, यानी कि पर्वत ने गिलहरी से कहा लिटिल प्रिग मतलब तुच्छ प्राणी, पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहा। बन रिप्लाइड, बन मतलब हो जाएगा गिलहरी, गिलहरी ने उत्तर दिया यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह, डाउटलेस निसंदेह बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स सभी प्रकार की वस्तुएं एंड वेदर और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप एयर एंड अ स्फेयर, भी प्रकार की वस्तुएं मिलकर के संसार को बनाती हैं और सभी प्रकार के मौसम मिलकर के वर्ष का निर्माण करते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, गिलहरी कहती है कि मैं इसमें अपमान नहीं समझती हूँ, टू ऑक्युपाई माई प्लेस अपने स्थान पर होकर, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ जितना कि तुम हो, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितना कि मैं हूं, एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मुझसे आधे फुर्तीले भी नहीं हो, यानी कि जितनी मैं फुर्तीली हूं उसके आधे फुर्तीले भी तुम नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, डिनाई मतलब होता है मना करना, मैं इस बात से मना नहीं करती हूं, अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, तुम स्क्वायरल मतलब गिलहरी के लिए ट्रैक मतलब मार्ग बनाते हो, अ वेरी प्रेटी मतलब बहुत सुंदर, टैलेंट्स डिफर, योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, ऑल इज वेल सभी वस्तुएं अच्छी है, एंड वाइजली पुट बुद्धिमानी पूर्वक रखी गई हैं, अर्थात ईश्वर ने संसार में प्रत्येक वस्तु को व्यवस्था के अनुसार तथा ठीक प्रकार से स्थान दिया है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेट्स ऑन माई बैक, कहती है कि यदि मैं अपनी पीठ पर, बैक मतलब पीठ पर, जंगल को नहीं कैरी मतलब ढो सकती हूँ, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते,